सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल नजर आ रही है। मैंने ये प्रोजेक्ट कल बनाया था ठीक है और ये कुछ व्यूज भी ऐड किए थे। इसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि इसमें क्या हुआ कि इसमें ना एक एरर आना शुरू हो गया। मैं कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। एरर देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करो मॉडल से। अच्छा सुनिए सर, तो मैं मॉडल पे कुछ बनाया बात बनाया मॉडल में। अभी तुमने मॉडल में भी कुछ लिखा है या सिर्फ व्यूज ही बनाए? नहीं सर, अभी सिर्फ व्यूज है। ठीक है, अच्छा आप तो मैं कह रहा हूँ तुमने ये व्यूज बनाए थे और ये व्यूज चल रहे थे। ये अभी वो काट दिया है, फोन काट दिया था। एक सेकंड, मैं दोबारा करा। ये तो मेरे पास ये डिजेंगो यूआरएल का मैं एरर आ रहा है। जी सर, एक तो भाई ये नहीं समझ आती, ये एरर आता है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन चलती है, लेकिन ये सब पे आता है। चेक कर लेता हूँ, मेरे पास आ रहा है यार। तुम कह रहे हो व्यूज में आना चाहिए ना। अच्छा पहली बात तो ये कि हाँ देखो मेरे पास नहीं आ रही है। असल में मुझे ये लगता है कि आप इसको ना एक मरतबा कोशिश करें कि यहाँ पे जो टर्मिनल दिया हुआ है तो नीचे नीचे वाले टर्मिनल तुम यहाँ पर भी जो है इंपोर्ट कर लें डिजेंगो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये स्टार्ट करता है तो ये अपनी जो इन्वायरमेंट अलग बना लेता है शायद, या इसमें वो एक इन्वायरमेंट बना ले और उसको एक्टिवेट कर दिया करे। सर ये रेप्लिक पे बना लें अपना प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है रेप्लिक पे बना सकते हैं, लेकिन आप जो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें सॉल्व करना सीखना चाहिए ना। क्या ख्याल है, इस तरह ये जो प्रॉब्लम आए तो हमें सीखना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका क्या हाल है। जी सर बिल्कुल, मैंने ठीक है ना। आपसे स्क्रीन भी शेयर किया था। तो यहाँ इसके अंदर ये देखें, इससे मुझे ये साफ लग रहा है कि यहाँ पर ये जो जिस एनवायरनमेंट के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड काम कर रहा है उस एनवायरनमेंट में जेंगो इंस्टॉल नहीं है एक तरह से। तो आप यहीं पर जो टर्मिनल नजर आ रहा है, टर्मिनल नजर आ रहा है ना, यहाँ पर लिख दो पिप इंस्टॉल जेंगो, देखो फिर क्या होता है। मैंने दो तीन प्रोजेक्ट बनाए, सब में यही इशू आ रहा था कल। देख लेते हैं, आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल वगैरह बनाई हुई है? जी सर मेरी प्रोफाइल है। ठीक है ना, आप देखें लिंक्डइन जो है वो आपको ये ऑफर करता है कि आप पाइथन के और जेंगो के टेस्ट जो है वो 15-15 मिनट के टेस्ट हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको जब भी लगे कि आपका जेंगो अच्छा हो गई है तो आप जेंगो के जाके टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर आपने ये स्टार्ट किया हुआ है, ये यहाँ पर कोई एनवायरनमेंट तुमने बनाई भी है उसको एक्टिवेट करो। कौन से सर? जैसे होता है ना कोंडा एक्टिवेट एनवायरनमेंट, या तो तुम यहाँ पर जो पाथ तुम ये जो यहाँ पर जो पाइथन चल रही है वो कहीं और से आ रही है। सर पाइथन की देखो कहां से आ रही है पाइथन। सर पाइथन पे मैंने काफी काम किया हुआ तो अक्सर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ ये इसके ऊपर। देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, सही है? एक मिनट होल्ड करना।
ये देख रहे हो ना, नहीं देख रहे कि अब मैं यहाँ से यहाँ पर, तो ये जैसे अगर मैं यहाँ पर था तो ये नीचे पाइथन नजर आ रही थी, सबको नजर आ रही है पाइथन यहाँ पर? जी सर आ रही। इसके बराबर में देखो यहाँ पर बेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेस जो है ये असल में ये बता रहा है कि भाई आपने आपकी जो एक्टिव वो है इन्वायरमेंट है वो बेस वाली पाइथन पे सेट हुई है, सही है। तो यहाँ पर मेरे पास और भी डिफरेंट किस्म की है, मैं यहाँ पर जाकर जैसे मैंने ये एस सी नाम की एक इन्वायरमेंट है वो ले लिया। अब देखो यहाँ पर एस सी आ रही है, इस तरह जब मैं यहाँ पाइथन के ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज बेस सेटिंग के ऊपर करता हूँ तो मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल खुलकर आ जाती है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती है। इसके अंदर आपको ये भी बता रहा होता है कि इसका बेस पाथ क्या है। बाज़ वक़्त आपके विंडोज में अगर कहीं से पहले से भी पाइथन इंस्टॉल हो तो भी आपको ये मसले हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये देख लेंगे ये पाइथन जो है ये कौन सी है, नंबर वन, ठीक है, मुझे जरूर लग रहा है। और दूसरी चीज जो है वो यहाँ पर आप यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर ले। बाकी लोगों को समझ में आ रही है मैं इन्वायरमेंट वाली बात क्या कर रहा हूँ? मैं हाँ भाई, बाकी सब लोगों को ये समझ में आ रही है ये मैं एनवायरनमेंट वाली बात कह रहा हूँ? कुछ समझ में आ रही है किसी को? जी सर आ रही है। कुछ आ रही है? जी सर आ रही है। याद आ रही होगी कि आप जो है वो सबसे पहले एक कोंडा की एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, कमांड याद है? हाँ भाई, कोई बताएगा कमांड क्या है? कोंडा कोंडा क्रिएट डैश कोंडा क्रिएट डैश डैश नेम और उसके बाद वो नाम जिस नाम से आपको क्रिएट बनाना कर रहा है, सही है। आप जब इस नाम से इन्वायरमेंट बना लेते हैं अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर ही सब चीजें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कोंडा इंस्टॉल जेंगो ये सब चीजें इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जब भी आपको कोई काम करना हो तो ये वाली कमांड चला देंगे आप, कोंडा एक्टिवेट। जैसे मैंने एससी के नाम से एक इन्वायरमेंट बनाई हुई है तो आप लोग भी बना देंगे, सही है। और जब इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है तो आप लिख देंगे कोंडा डीएक्टिवेट। वैसे अगर आप पाइथन के अंदर है और सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर है तो यहाँ पर आपके पास ये सारी इन्वायरमेंट आ रही होती है, जो आपको इसमें से पसंद आए वो आप यूज कर लें। अब जैसे मेरे पास आप देखें कि यहाँ पर जो है ये मैं शायद वो शेयर नहीं किया हुआ ना अपनी स्क्रीन, है ना, दोबारा बताता हूँ। बता दिया करो यार, तक काम साइलेंट रहते हो। अच्छा देखो ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर नजर आ रही नीचे जगह विजुअल स्टूडियो कोड के नीचे? जी जी सर। यहाँ पे मेरा कर्सर है, आप कर्सर तक पहुंच पा रहे? जी सर 3.10.1। हाँ, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखें ये सारी के सारी जो जो आपने एनवायरनमेंट बनाई हुई है नजर आ रही है, आप इसमें से अपने जो आपको एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर लें या आप यहाँ पर टर्मिनल में जाके लिख दें। तो आपको जब एक काम है जो आपको करना है वो ये है कि आप एक एनवायरनमेंट बनाएं और इस एनवायरनमेंट के अंदर जेंगो और उससे रिक्वायर्ड चीजें इंस्टॉल करें। अगर आपने कर ली और वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर ली तो फिर आपको इस तरह के एरर नहीं आएंगे। देखो मेरे पास नहीं आ रहा है। जी सर, मैंने वो बेस वाला एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया तो उसके बाद नहीं आ रहा है ना, तो ये सबको याद रखना।
हमें अपने मतलब एक प्रोजेक्ट हम डिजंगो के लिए कर रहे हैं, एक हम टिकेंटर के लिए कर रहे हैं, तो या एक हम मशीन लर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो हर प्रोजेक्ट के लिए हमें अलग से एनवायरनमेंट बना लेना चाहिए या एक ही बेस एनवायरनमेंट को यूज करना चाहिए? देखो, आपकी जो एनवायरनमेंट है जिसमें अगर आपको डिजंगो को इस्तेमाल करना है वेब के लिए, और मशीन लर्निंग में टेंसरफ्लो इंस्टॉल करनी है और पैंडास इस्तेमाल करना है, तो उसकी एक एनवायरनमेंट बना, उसमें पैंडास हो, टेंसरफ्लो 2.0 हो, जेंगो हो। लेकिन अगर आपको कोई और एनवायरनमेंट बनानी है जिसमें आपको फ्लास्क इस्तेमाल करनी है, कोई और लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, पैंडा इस्तेमाल नहीं करनी है, पैंडा कोई और वर्जन इंस्टॉल करना है, तो फिर उसकी अलग लाइब्रेरी एनवायरनमेंट बना लें। ठीक है जी सर, ठीक। तो लास्ट टाइम हमने यूआरएल का डिस्कस किया था, आज हम देखते हैं थोड़ा सा मॉडल्स के ऊपर। मैंने थोड़ा सा ऐसी तफरी के लिए छोटा सा मॉडल पहले से बना के रखा हुआ है, या तो पहले डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। अच्छा याद आया, आप लोगों को जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी थी उसके हिसाब से, और आपको वो जो मॉडल वर्डल बनाया था वो देखा था आपने, उसको प्रोसीड किया था बाद में मजीद? यस सर, किया था उसमें, लेकिन ना मैंने तो तकरीबन एंड तक कर लिया था डेटाबेस तक, तो सर वो डेटाबेस में एक एरर आया था, नॉट नल कंस्ट्रेंट, जिसने मैंने फॉर्म बनाने की कोशिश की ना, जैसे ईमेल पासवर्ड यूजर नेम, नॉट नल कंस्ट्रेंट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, आना ही चाहिए वो तो। उसमें जो है वो इसलिए आ रहा है कि आप जो है वो एक वैल्यू नहीं दे रहे होंगे उसको। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या सर? मुझे 5 मिनट देना, इस टाइम मोबाइल पे जूम ओपन किया, लैपटॉप ओपन कर। ठीक है, ये जो हमारे पार्टीशन है, तो पार्टिसिपेंट है जैन अली, आपने क्या किया बेटा? जी सर, सर मैं तो रेप्लिट पे हूँ, मतलब अपने लोकल सिस्टम पे मैं नहीं करता। अच्छा, और सर मुझे पे काम कर रहे हो तो कुछ काम हम किया? जी सर, क्या क्या किया? तो सर मैंने यूजर क्रिएट कुछ मॉडल्स पे भी, और इसके अलावा डिक्शनरी से डाटा पोस्ट गेट और ये वो, मतलब यहाँ तक अच्छा, थोड़ा ना अच्छा, वो ट्यूटोरियल फॉलो किया था तो लास्ट टाइम जेंगो वालों का था? सर मैं मेरी असल में ये दूसरी तीसरी क्लास है इसमें, मतलब आई थिंक मतलब कंप्लीट फॉलो नहीं कर रहा यार। जी ठीक है, अब तुम अपना वो रेप्लिक वाला एनवायरनमेंट दिखाओ बच्चों को, ताकि अगर वो भी काम करना चाहें तो वो भी कर सके। फ्री है उसके पैसे वैसे कितने? सर वो फ्री है। ठीक है, तो तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और वो दिखा दो, और अपनी मोटिवेशन के लिए बच्चों को अपना काम भी दिखा दो। और उसके बाद जो है जैन के बाद जो है मोहम्मद सुहेल। जी सर, कुछ काम वाम किया बेटा आपने? सर स्क्रीन शेयर होगी मेरी? सर मैंने वीएस कोड का आपको दिखाया था। अच्छा ठीक है, उसके बाद किसकी बारी है? मोहम्मद सुहेल तुम बताओ, आप किसकी किसको किसको पकड़ना है इसके बाद? जरा फॉलो करो सर, ये अकाउंट बना हुआ है मेरे, यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोलैब है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हम मतलब पाइथन फाइल्स रन करते हैं, वहां पे तो हम मतलब वो
एक नोटबुक है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट जो है वो पाइथन फाइल जो है वो रन करते हैं इसमें। ठीक है, ये मेरा बना हुआ है जेंगो आपका। ये टेम्पलेट आपको खुद बनाना पड़ेगा या वहाँ पे जेंगो के टेम्पलेट भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, सिर्फ सिंपल आपको मतलब वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और वो मतलब अपना कंप्लीट एक टेम्पलेट बना के दे देगा। इसमें आपको कोई कमांड देनी पड़ेगी, मतलब जैसे जेंगो एब्स्ट्रैक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट हम प्रोजेक्ट करते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं। सिंपल टेम्पलेट वो आपको डिजाइन कर देगा, उसके बाद फिर आप अपनी कोडिंग शोडिंग स्टार्ट करो। इसमें अभी जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, फिर मैं इसे रन करता हूँ और फिर इसे अपने वो नेक्स्ट टैब में मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर में। सिर्फ एक दो मिनट लेगा जरा ये। ठीक है, जब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अब करना क्या है ना। तुम देखो कि ये रेप्लिक पे कैसे चलेगा, बाकी लोग अपनी लोकल स्क्रीन के ऊपर भी चला सकते हैं। ठीक है, और हम उस अभी डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें भी एक बात साफ साफ दी गई है और वो ये है कि आपको किस तरीके से स्टार्ट लेना है। सर हमारे वो फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग ऑन नहीं है सर। हाँ, वो मैं अभी इसमें से जो है ना अपलोड करके फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है तो वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो आप देखो इसके अंदर वो सब लिखा हुआ है कि किस तरीके से कोंडा की एनवायरनमेंट बनेंगी। ये बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए मैं बार बार आपको इसलिए देता हूँ कि आप इधर उधर जाएंगे, बाकी सब लोग भी इसी से कॉपी कर रहे हो। इसमें हर चीज दी हुई है, यहां तक दिया हुआ है कि भाई आपको जो है वो कोई वर्जन वगैरह देने हैं, क्या नहीं देने हैं, सब कुछ पूरी कहानी आपको दी गई। ये आपको है ना, ये आपका इम्तिहान में सवाल भी हो सकता है कि भाई एनवायरनमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, अब हम आ गए। अभी तक हमने कोशिश करनी है कि हम इसमें फ्रंट एंड जो है वो अलग से बनाएं और रेस्ट के ऊपर चलाएं, क्योंकि रेस्ट जो है वो भी हमें उस पर काम करना है, लेकिन ये है कि हम बीच में टेम्पलेट के ऊपर भी काम करें। स्टार्ट ऑफिशियल वाला ये हमारी पहली वेबसाइट ही, याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पर थे और हमने इसमें से कुछ चीजें मीजें पढ़ी थी। यहाँ तक याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब हम इसके अंदर दूसरे लेवल के ऊपर आ गए। इसके अंदर हमने ये बोला था कि भाई अब हमें क्या करना है, ये वाला कमांड भी, ये वाली कमांड भी चला दी माइग्रेट की। ठीक है, माइग्रेट करने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप है कि हमें एक अपने जो हमारे जो मॉडल है, अब आपने प्रोडक्ट किस नाम से बनाई हुई होगी उस नाम से आपकी एप्लीकेशन होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो एप्लीकेशन है जेंगो की, उसका नाम है कैटलॉग। ठीक है, आप अगर स्कूल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फोल्डर बना हुआ होगा वो होगा स्कूल के नाम का। इन्होंने जो बनाई हुई है वो बनाई हुई है पोल्स के नाम की। अगर आप इस ट्यूटोरियल को ही फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी पोल्स के नाम से बनाई हुई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे याद रखने की है मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि एक बात याद रखो कि आपका जो मॉडल है वो कहाँ बनेगा। आप अपनी जेंगो के अंदर, अभी आपने जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखो कि
आपने आपको मॉडल्स नाम का की फाइल जो है वो कहां पे नजर आ रही है, किस फोल्डर के अंदर नजर आ रही है, ये किस हेड के अंदर नजर आ रही है मुझे बताओ, ताकि मैं आपको वेरीफाई कर सकूं कि आप लोग सही जगह पर हो या नहीं, या मेरे साथ हो या नहीं। रिपीट कीजिएगा सर। आप लोगों को जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर models.py की फाइल नजर आ रही है सर? उसमें जो हमने खुद से मैंने होम का ऐड किया था उसके अंदर मॉडल है, मतलब जो प्रोजेक्ट वाला हमारा पार्ट है उसमें नहीं है। नहीं है, उसके बाद मैंने उसमें ऐप ऐड की है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी लोगों ने क्या किया है, बाकी लोगों के पास, जैसे इनके पास तो इन्होंने होम के नाम से एक प्रोजेक्ट ऐप बनाई भी थी। अब्दुल्ला गनी, आपने किस नाम से बनाई थी ऐप? हसन खालिद, हयात शाह, हाँ अब्दुल्ला गनी, जो भी, जब इनके नाम ले रहा हूं सबको, चार पांच लोग ही हैं आप लोग, हिना, मुदस्सर हनीफ, सुहेल, नाजिया, जैन, और कोई बताएगा, कोई जवाब दे सकता है? सर मैंने बनाई हुई है, मतलब दो ऐप्स है मेरे पास, एक फीस की मॉडल और एक मॉडल जो है, मॉडल आपको उसमें फाइल नजर आ रही है? जी हाँ बिल्कुल आ रही है, दोनों में आ रही है। इसमें फीस में भी नजर आ रही है और कोर्स में भी, कोर्स में भी। तो यहाँ पर देखो पोल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहीं पोल्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर पोल्स एक ऐप का नाम है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। देखो बाद वक्त क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जाते हो ना, तो आपको बाद वक्त बनी बनाई एप्लीकेशन में भी काम होता है, काम करना पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार पोल्स का मत, यहाँ पे जब भी मॉडल लिखा हुआ होगा इसका मतलब है ऐप जो है उस नाम से, जिस नाम से फोल्डर बनी बना हुआ है उसी नाम से जो है वो ऐप बनी हुई होगी। अब इसमें देखो ये फिलॉसफी लिखी हुई है, अ मॉडल इज अ सिंगल डेफिनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा, इट कंटेन एसेंशियल फील्ड एंड बिहेवियर ऑफ योर डेटा यू आर स्टोरिंग। Django follow DRY principle. क्या DRY principle क्या होता है? ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूं लिंक, ताकि आप लोग जो है वो चैट कहां से आएगी। तो ये देख लें आप, इसमें फिलॉसफी बताए DRY क्या होता है, पता है ना आप लोग? एनीवन? डायरेक्टरी सर? नहीं, आप इसको ओपन कर लें, मैंने इसलिए लिंक भेजा था कि अगर कोई भी चीज समझ में ना तो देख लो। डिजाइन प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योर सेल्फ, सही है। और इसके अंदर देखो डिस्कशन ऑफ DRY ऑन पोर्टलैंड पैटर्न रिपोजिटरी। अब देखो इसके अंदर आप और आगे जाएंगे और देखेंगे, ये पूरी आपको कहानी मिलेगी, ये पढ़ा करें, रमजान है, अगर बोर हो रहे हो तो ये भी कर सकते। लेकिन आपको ये डोंट रिपीट योर सेल्फ की तो कहानी समझ में आ गई ना, कि आपका ये प्रिंसिपल ये है कि एक मरतबा आपने कोई काम कर लिया उसको बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह जैसे माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन कहीं लिख लो, माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि मैंने जो मॉडल बनाया है उसके साथ डेटाबेस खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने खोला हुआ है, ये सब के पास ये मौजूद है?
जी सर ओपन है, ठीक है ना। तो उसमें देखते रहो, पढ़ते भी रहो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ के। आप देखो इन अवर पोल ऐप वी विल क्रिएट टू मॉडल्स, क्वेश्चन और चॉइसेस। अब अगर आपसे सवाल आ जाता है कि यार ये इसमें से बताओ मॉडल कौन सा है, तो आप बताओगे ये दोनों मॉडल है, और आप में से कोई बता सकता है कि ये दोनों मॉडल कौन सी क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो है ये जो आपकी क्लास है ये मॉडल के नाम की क्लास है, जहां पे हमने सबसे पहले हमने क्या किया, Django DB से इंपोर्ट किया हुआ मॉडल्स, और मॉडल्स के पैकेज में से हम मॉडल की क्लास से इनको इनहेरिट कर रहे हैं, तो बहुत सारी इनकी फंक्शनैलिटी हमें वैसे ही मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये जितने भी हमारे पास वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, इस क्वेश्चन की क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम डिफरेंट फील्ड से एट्रीब्यूट कर लेंगे। लिखा हुआ भी, ईच फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय द इंस्टांस। अब देखो इंस्टांस और इनहेरिटेंस में क्या फर्क होता है, इंस्टांस किसे कहते हैं, देखो जरा इंटरनेट में सर्च करो इधर, तो सर सिंगल अकरेंस, सिंगल अकरेंस ऑफ समथिंग, समथिंग समथिंग मींस व्हाट। यहां पर देखो जहां पर कर्सर रखा हुआ है वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देखो ना यहाँ पे आगे कुछ लिखा हुआ है, क्या लगता है आपको, हाँ भाई कोई जवाब देना चाहेगा। मींस करेक्टर फील्ड और ये जो डेट टाइम फील्ड है इसे हम कह सकते हैं इंस्टेंस, लेकिन इंस्टेंस है, लेकिन किस चीज का इंस्टेंस है, क्वेश्चन टेक्स्ट, ये जो इंस्टेंस है जी जी, ईच फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्टेंस ऑफ फील्ड क्लास, फील्ड क्लास आ फील्ड क्लास, यानी कि फील्ड की डिफरेंट क्लासेस हैं, और हर फील्ड की क्लास जो है जैसे कैरेक्टर फील्ड है, डेट टाइम फील्ड है, और भी डिफरेंट टाइप की फील्ड हो सकती है, इन फील्ड की क्लास से जो है आपका आपने इंस्टांस ले लिया है, यानी कि क्वेश्चन टाइप जो है वो इंस्टांस है, यानी ऑब्जेक्ट है किस चीज का, इस क्लास का। पब्लिक डेट, पब डेट जो है वो इंस्टांस है इस क्लास का। जब आप किसी क्लास को कॉल करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको इंस्टांस कहते हैं। जब आप किसी नई क्लास को बनाते वक्त उसमें बताते हैं कि इसको कहां किस वाली क्लास से जो है वो इनहेरिटेंस लेनी है, तो उसको इनहेरिट, ये वाली इनहेरिटेंस है और ये वाला इंस्टांस। ये बात समझ में आ रही है आप लोग? सर हम ये कह सकते हैं कि मॉडल डॉट मॉडल जो है एक वेक्टर फील्ड जो है वो इसका एक मेथड है। मेथड नहीं है, मॉडल डॉट मॉडल जो है वो एक क्लास है। आप किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए क्लास ही चाहिए होगी ना आपको? जी जी, क्लास को इनहेरिट करने के लिए आपको क्लास ही चाहिए, तो ये क्लास है, ठीक है। और ये है, ये वाली चीज क्या है, मेथड है, क्या है, आर्गुमेंट्स नहीं, ये भी क्लास है, कैरेक्टर फील्ड भी क्लास है। यहां पर हमें क्लास को कॉल करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहां पर क्लास से हम इनहेरिटेंस ले रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ बोलो
सर मॉडल डॉट मॉडल जो है इसकी हमने देखनी होगी इसकी क्या कोडिंग हुई हुई है तो हम चेक कर सकते हैं। हाँ शायद देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, इसके अंदर चले जाओ आप यहाँ पर, ये बताएगा कि इंपोर्ट मॉडल्स, ये तो इसको बता रहे कैसे होगा। अगर आपको इसके अंदर इसके फिर सोर्स कोड खोलने पड़ेगा या इसकी डॉक्यूमेंटेशन लेनी पड़ेगी। सोर्स कोड जो है वो जो प्रोजेक्ट हमने किया, देखो इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो पहले, आप फौरन आगे चले गए, लेकिन आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े कि देखिए क्लास का जो मॉडल है वो कैसे काम करता है। सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है, ये देखो इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है मॉडल की लोडिंग को तो आप कैसे करेंगे। जी थैंक यू सर। शेयर करूं स्क्रीन? मैंने कौन सी स्क्रीन शेयर की हुई है? नहीं सर मैं अपनी करूं, वो जो नॉर्मल। हाँ, हाँ अभी अभी एक मिनट बस, मैं जरा ये टॉपिक खत्म कर लूं फिर तुम्हारी स्क्रीन देता हूं। ठीक है, अब ये फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड क्लास, दो चीजें समझ में आ गई, इनको और पढ़ना है, आप लोग लिख लो कहीं पर। सबसे पहले चीज क्या रखनी है आपको, इंस्टांस क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, ये आपको आने चाहिए अगर आप पाइथन के प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं। ठीक है, बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल आने चाहिए। और इंस्टांसिएशन जो है वो क्या होती है, लिख लिया कहीं यहां पर? जी सर। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर इसने, अब इसके अंदर हम ये समझ रहे हैं कि देखो एक है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर दो फील्ड है, क्वेश्चन टेक्स्ट और क्वेश्चन उसकी पब्लिकेशन डेट, और उसके बाद चॉइसेस हैं, क्वेश्चन चॉइस का टेक्स्ट और वोट कि आपने क्या वोट किया, यानी कि एक क्वेश्चन का नंबर होगा, एक चॉइस होगी और एक वोट होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों? अगर नहीं समझ में आ रही तो बता दो सर, शायद जब हम प्रैक्टिकल करें तब ज्यादा क्लियर हो जाए। नहीं, ये आपको ये थ्योरेटिकली तौर पे समझ नहीं है। देखो आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सर? देखो मुझे एक, मेरे पास एक सवाल है ना, एक क्वेश्चन है, सर गूगल का डिफॉल्ट पेज आ रहा है क्या? शेयर नहीं हो रही, दोबारा शेयर कर देते। अब सही आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब इसके पास ऑप्शन है ना आपके पास, बताओ कोई और क्या हो सकता है? सर वेरिएबल,
ठीक है, अब इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है ए। और इसको अब हमें डेटाबेस में डालना है और वो भी रिलेशनल डेटाबेस में। सही है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको एक डेटाबेस बनाना है जिसमें आप ये सब चीजें स्टोर कर सकेंगे। ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई नंबर होगा, सही है। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है जी, और हर क्वेश्चन की चार चॉइसेस हैं और एक करेक्ट आंसर है। अब इसको हम डेटाबेस पे डालने के लिए क्या करेंगे? मॉडल बनाएंगे। हाँ, मॉडल बनाएंगे। अब मॉडल बनाने के लिए हमें डेटाबेस में डालना है। सबसे पहले तो हमें, जैसे हमें क्वेश्चन का करना है तो हमारे पास जो मॉडल है वो क्या होगा? ये आपकी क्लास हो गई, मैं वही चीज आपको रिपीट करा रहा हूं जो यहां पर हम देख रहे हैं। सही है, बात समझ में आ गई? अच्छा सर, ये देखो आप मैप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे इन दोनों चीजों को? मैं यहां पे बोलो यहां से कॉपी कर देता हूं, यहां से अब ये यही था। अभी तक इसके अंदर सिर्फ यही वाली चीज स्टोर होगी। या मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं ताकि ये बिल्कुल 100% मैच हो जाए। पोल्स जो होता है ना, पोल्स ये होता है ना, पोल्स सर। मैं यहां पे दे देता हूं इसको वोट। सही है, अब मैं इसकी आपको एब्रिवेशन नहीं बता रहा कि किसका क्या होगा, अब आप लोग को समझदार हैं समझ जाएंगे। लेकिन आप बताएं कि अब आप इसके अंदर ये वाली चीज से मैच हो रही है? अभी सिर्फ इसी से मैच होगी, ये वाली सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कर, ये सिर्फ क्वेश्चन को स्टोर करने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन का डेटाबेस है। सर क्लास यहाँ पर question... हाँ देखो, क्या क्वेश्चन और डेटाबेस मैप कर पा रहे हो जब तक मैं नई चीज लिख रहा हूं यहाँ पर? सर क्लास क्वेश्चन आपने एक टेबल बनाया और उसके दो फील्ड्स बनाए, क्वेश्चन टेक्स्ट और पब डेट, ऐसे ही सर? हाँ, मतलब ये जो क्वेश्चन है नीचे, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। उसकी वजह यह है कि एक क्वेश्चन जो है वो वन और मोर चॉइसेस जो है और एक वोट जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि यहां से अगली वाली चीज भी, चॉइसेस को भी लेकर आना पड़ेगा। अब मुझे जो है यहां पर इस वी नीड
two tables or two model in Django. ये बात समझ में आ रही है अब आप लोगों को, थोड़ा मैप कर पा रहे हो? जी सर। देखो अगर सवाल पूछते रहोगे ना तो मुझे समझ में आ जाएगा यार क्या चीज कहाँ क्लियर है, तो मैं उसी हिसाब से जवाब आपको देता रहूंगा। देखो अब है ये है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के चार आंसर हो सकते हैं, तो आप एक तरीका तो ये है कि मैं एक ही टेबल के अंदर एक क्वेश्चन और चार उसके सवालों को डाल दो, लेकिन सवाल दो भी हो सकते हैं, बाद होगा चॉइसिस दो भी हो सकते हैं, बाद होगा चॉइसिस चार भी हो सकते हैं, मतलब मेरे पास डिफरेंट तरीकेकार होते हैं ना। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि एक जो मेरे पास क्वेश्चन था उसका अलग एक टेबल या ऑब्जेक्ट मॉडल बना लिया, और उसकी जो चॉइसेस थी उनके लिए भी एक अलग से मॉडल बना लिया, और उन चॉइसेस के लिए जो मेरे पास ये चार चॉइस आ रही हैं इनके लिए मैंने बना लिया। अब इसके अंदर हर जो चॉइस है वो एक अलग रिकॉर्ड के तौर पर, एक अलग रो के तौर पर सेफ हो, यानी कि एक टेबल के अंदर मेरे पास ये एक टेबल बन गई। ठीक है, ये कौन सी टेबल है? क्वेश्चन की। इसके अंदर जो है ये टेक्स्ट आ गया, और ये पब्लिशन डेट आ गया। अब मैं पोल कर रहा हूं, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? हु विल बी आवर नेक्स्ट पीएम। पब्लिकेशन डेट क्या हो गई? 3। अब मैं यहां पर उसकी डिटेल के लिए अलग टेबल इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया और यहां पर चॉइसेस हो गई। चॉइसेस में क्या है? क्वेश्चन का नंबर है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो है वो यहां पर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर आएगा ये, और ये जो है ये ऑटो जनरेटेड है। यहां पर मैंने स्टेरिक लगा दिया, स्टेरिक को सोच लो कि स्टेरिक यहां पर मैंने प्राइमरी की नहीं दी है, तो वो एक आईडी की फील्ड के नाम से खुद ही बना देगा। अब चॉइसेस में भी एक आईडी होगी जिसके आगे मैं स्टेरिक लगा रहा हूं, अब उसके अंदर क्या है आपके पास? क्वेश्चन ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है? अच्छा, इसने इसी को वो कर लिया है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको अब यहां पे ये नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी की है, ये जो है इसको मैं हटा देता हूं। वैसे तो ये मेरे ख्याल से जनरेट करेगा, लेकिन अभी इसने फिर प्राइमरी की नहीं बनाया, लेकिन यहां पर जो प्राइमरी की है ये हमारे पास ये जो है ये असल में पीके है, और चॉइस टेक्स और वोट
ठीक है, जिसके अंदर आगे डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो इसके अंदर जीरो होगा। पहली चॉइस जो है वो क्वेश्चन की कौन सी, अब यहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन ही मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन है मैं उसका एक नंबर लगा दूं ज्यादा बेहतर है। अब इसके अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपकी फॉरेन की है, जैसे इसमें लिखा हुआ है अगर आप लोगों के पास खुला हुआ हो तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास चॉइस हो गई, अब किसी ने जिसने भी वोट दिया नहीं दिया वो यहां पर दे देगा, अगर किसी ने जो है वो जब उसके पास क्वेश्चन आएगा तो वो जिस वोट को जिसको भी सिलेक्ट करेगा उसके नाम के ऊपर यहां पर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने एक क्वेश्चन पोल किया है, ये मेरा क्वेश्चन है, अच्छा अब जो है वो यहां पर मैं लोगों से सवाल के जवाब ले रहा हूं। अब इसमें और मजीद भी इंफॉर्मेशन आगे आएगी लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो जो जिस जिसका पोल डालता रहेगा मेरे पास आता रहेगा। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब कुछ लोगों ने जो है इसको मैं दोबारा इसको सही करता हूं। अब कुछ लोगों ने बोला भाई आई के जो है वो हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, तो आपके पास इसके नंबर ऑफ वोट जो है वो यहां पर आ गए, मिसाल के तौर पर यहां पर है 20, ठीक है। और सही है भाई, ये समझ में आ रही है बात। अब आपके पास एक और आपने क्वेश्चन की पोलिंग करनी है ना कि ये भी आपने जो है ये आप लेस सपोज कर देंगे भाई ये 2 अप्रैल को आपने किया था। अब आपने यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो अब इसके अंदर 2 चॉइसेस हैं आपके पास ना, जो आपने चॉइसेस दी है 2 दी है ना, तो आपने जो है वो ये आपने क्वेश्चन दे दिया। अब इसकी चॉइसेस है यस, इसके आपके पास आए हैं 50, और नो इसके आ गए हैं 30, ये आ गए हैं 18। समझ में आ रहा है पोलिंग सिस्टम कैसा बन रहा होगा। अभी कोई सवाल हो तो कर लो यहां से। जी सर समझ आ गई सर। किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ लो। इसी तरह हम सवाल बढ़ाते रहेंगे, हर सवाल को जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा। ये थोड़ा सा बैड बात है, इखलाकी तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन की जगह यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर प्राइमरी की आएगी। हाँ यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आईडी होना चाहिए, यहाँ पे मैं अगेन एक स्ट्राइक लगा रहा हूं, 2 स्ट्राइक लगा रहा तो होना ही चाहिए कि यहां पर आपके पास इस क्वेश्चन का नंबर आपने रख दिया 1001, यहां पर आपने रख दी जो भी आप रखना चाहें 1004 जो भी है, तो यहां पर जो है इसकी जगह के ऊपर यहां पर ये नंबर आ जाएंगे, यानी कि जो भी आपकी फिर की होगी वो यहां पर आ जाएगी। अभी तो है खैर हमने जो है अभी इस वक्त जो है मैं यहां पर यहीं पर है, तो आपने अब इस चीज को करने के लिए मेरे पास ये एक टेबल है जिससे रेलेवेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं,
क्योंकि आंसर आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, तो आपको उतने ही रिकॉर्ड चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले वाले क्वेश्चन के चार ऑप्शन थे, दस भी हो सकते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन के जो है वो दो ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, समझ रहे हो ना। तो जितने ऑप्शन होंगे उतने ज्यादा आप उस पर रोज बढ़ाते रहे, तो आपको बार बार टेबल में जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगी। अगर मैं चाहूं तो इसके बराबर मैं राइट साइड के ऊपर कॉलम ऐड करता जाऊंगा, लेकिन कॉलम के अंदर यही है कि जी मुझे मैक्सिमम, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे अगर किसी पोल के अंदर मैक्सिमम चार सवाल है तो मैं उसमें चार कॉलम ऐड कर दूंगा, फिर सवाल छह हो गए तो मैं दो और कॉलम ऐड कर दूंगा, फिर सवाल दस हो गए तो मैं चार और कॉलम ऐड कर दूंगा, तो कॉलम ऐड करता रहूंगा, तो ये डी नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज तरीका यार ये है, इस तरीके से हमने जो है ये क्लास का मॉडल बना लिया। यहां तक कोई सवाल समझ में आ रहा है या कुछ मसला है? अब देखो ये वाली चीज हम लोगों को समझ में आ गई कि इसका मकसद क्या है और इसका मकसद क्या है। यहाँ पे सारी डिटेल भी लिखी हुई है। सर आपने एक बात की थी कि हम सिर्फ टेबल बनाएंगे, कॉलम्स खुद ब खुद, हम मॉडल बनाएंगे, हम मॉडल बनाएंगे, टेबल जेको खुद बनाते हैं। अच्छा, टेबल भी और कॉलम्स भी, टेबल हम ये बता रहे हैं ना सारी डिटेल। ठीक हो गया, तो क्या कह देगा, टेबल बनाएगा क्वेश्चन के नाम से, और उससे पहले इस नाम का एक कॉलम बना देगा और इस नाम का कॉलम बना देगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जैसा कि हम व्यूज की बात करें, व्यूज डॉट पी वाई की, तो हम उसमें ना कोड जो करते हैं वो फंक्शन बेस्ड है सारा। मतलब अगर हम कोई HTTP रिस्पांस ले रहे हैं या हम रेंडर करवा रहे हैं तो हम फंक्शंस में करते हैं। तो मतलब अगर मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स डॉट पी वाई की, तो यहाँ पे हम फंक्शन बेस नहीं कर सकते कोड, बजाय इसके क्लासेस में करें हम फंक्शंस यूज कर सकते। आगे जाकर हम Django में क्लासेस ही यूज करेंगे, व्यूज में भी और URL में भी, हर जगह। उसकी वजह ये कि बहुत सारी चीजें हम फंक्शन में हैंडल नहीं कर सकते, हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अगर हमें इनहेरिटेंस चाहिए, अगर हमें इंस्टांसिएशन चाहिए, तो हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही कर सकते हैं। अब देखें, इसने ये आपको बताया कि भाई ये जब आप ये चलाएंगे, ये वाली कमांड, ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहां पर ये टेबल खुद ब खुद ये वाली कमांड जनरेट करके देगा, और इसमें लिखा हुआ वी हैव रीफॉर्मेटेड फॉर इट रीडेबिलिटी। इतना अच्छा रीडेबल नहीं होगा, लेकिन आप इसमें देखें, और इसके अंदर देखें, इसने जो है वो यहां पर एक प्राइमरी की खुद भी बनाई हुई, जबकि मैंने नहीं दी, यहां पर भी बनाई हुई, और इसने से क्वेश्चन आईडी दे दी, ठीक है। तो वो काम जो मैं आपको बता रहा था कि यह होना चाहिए, वो खुद यहां पर Django कर देगा। Django में अगर आप उसको प्राइमरी की नहीं बताते तो वो कर देगा यहां पर, ठीक है। तो ये आपकी माइग्रेशन जो है यहां पर बन गई है, और आप यहां पर इसको चला सकते हैं। जब ये चला देंगे तो ये माइग्रेट आपका डिलीट टेबल डेटाबेस में जाकर टेबल क्रिएट कर देगा। यहां तक कोई सवाल है आपके जहन में? हाँ सर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको अभी इसी चीज को मजीद एक्सप्लोर करना है तो आप यहां पर लिख देंगे पाइथन मैनेज आई डॉट शेल, और शेल के बाद आपके पास पाइथन जाएगा। आप यहां पर ये लिखेंगे चॉइसेस और क्वेश्चन, और यहां पर लिखोगे क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ऑल, तो ये यहां पर आपके पास ब्लैंक आ जाएगा क्योंकि अभी आपने नहीं डाला। और उसके बाद जो है टाइम जोन आप करोगे, आप यहां पर उसके बाद इस तरह से जो है वो आप एक नया क्वेश्चन क्रिएट करोगे और क्वेश्चन को सेव कर दोगे, और उसकी आईडी लोगे तो आपके पास यहां पर वन आ रही होगी। यहां पर क्वेश्चन का टेक्स्ट प्रिंट करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन का टेक्स्ट प्रिंट आ रहा होगा। ये सब कुछ क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन की जो क्लास थी उसको कॉल किया, तो आपके पास नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसने आपने क्यू डॉट सेव से डेटा सेव करा लिया। अब आपके पास आईडी के अंदर जो है वो आईडी मौजूद है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट मौजूद है, पी के अंदर पी डेट मौजूद है, ठीक है। आप इसको चेंज करके दोबारा भी सेव कर सकते हो। ये सारा काम आप जो है वो शायद क्वार्टर वन के अंदर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा था, कोई समझ में आ रहा है। अब आप जहां पर जब लिखोगे क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल,
तो आपके सामने सारी का जितनी भी डेटा होगा वो आपके सामने निकाल कर दे दे। यहां तक कोई बात? क्लियर है सर? क्लियर है, तो ऐसा करें फिर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों के पास एक घंटा है, ठीक है? हुसैन को मैं होस्ट बना रहा हूं आप लोगों का, अगर हैं तो। कौन कौन है इस वक्त? जैन तुम एक घंटे तक आ सकते हो, रह सकते हो, या सब जा रहे हैं? हम एक घंटे बाद दोबारा कोई मीटिंग स्टार्ट कर लें, क्या कर लें? जैसे मर्जी कर लो सर। ठीक है, आप लोग जैसे हो ही 4-5 लोग, और मुझे लग रहा है कि उसमें से कुछ लोग तो शायद कर भी ना पाए, तो आप ऐसा करते हैं कि मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों को ये वाली चीज करनी है सबको, ठीक है? सर्वपहले स्क्रीन चेक कर लें, एरर। मैं आपकी स्क्रीन चेक कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाली ये जो है ये मैं दोबारा आपको टेक्स्ट के अंदर चैट के अंदर डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स के अंदर, ताकि ये आपको याद रहे। और आपको सिर्फ जो है शेल कमांड के अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना, ठीक है? अब मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, और आप भाई अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, मैं आपको एरर देख लेता हूँ। मैं आप लोगों को ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें और खुद चीजों को डिस्कवर करें और फिर मुझे अपडेट दें, वरना कोई पढ़ाने का फायदा नहीं है। ट्यूटोरियल जंगों के बहुत पढ़े हैं मार्केट पहले से। सर जंगों पे पहनी है, आपको शोर है सर? हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सर अभी कॉन्टैक्टर्स ने जाना है डेटाबेस में स्टोर होने, मैं अपने नेम में नेम और ईमेल में ईमेल, फोन नंबर में फोन नंबर, और मैसेज में कुछ भी लिख देता हूँ। मुझे मॉडल दिखाओ ना सबसे पहले। तो सर एरर आप चेक कर लेंगे तो पहले सबमिट किया, तो अब ये कह रहे हैं इंटेग्रिटी एरर एट कॉन्टैक्ट नॉट नल कंस्ट्रेंट फील्ड फॉर्म कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल। हाँ ये अब नजर आया ना? हाँ ठीक है, देखो इसके अंदर अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो आपको ये बता रहा है कि इंटीग्रिटी एरर है, नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल होम अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट ईमेल। तो तुम ईमेल एड्रेस दे नहीं रहे क्या? सर ये मॉडल्स में, ये मॉडल्स में मैं आ गया ईमेल, ये मेरी ईमेल है, इसको मैक्स लेंथ दिया 100 दी है, ठीक है? और तुम तो यहाँ पर जो तुम वो जो स्क्रीन दिखा रहे थे, स्क्रीन दिखाओ जरा दोबारा, वही वाली जहां से तुम डेटा एंटर कर रहे हो। वहां पर अभी तक एरर नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सर स्क्रीन वो बैक स्क्रीन है। बैक करो ये वाली स्क्रीन। हाँ ये ठीक है, तुम यहां पर जो है वो ठीक है, ये जो डेटा जो जा रहा है ये किस में जा रहा है? ये कॉन्टैक्ट में जा रहा है जी सर, कॉन्टैक्ट अस में। ठीक है, अब तुम इसके व्यूज दिखाओ जरा मुझे। व्यूज में जाओ, व्यूज में। हाँ सही है, नीचे आओ, नीचे आओ, व्यूज में आओ। और नीचे हाँ यहाँ भी अब ठीक है, आप टेम्पलेट में आओ। टेम्पलेट में कॉन्टैक्ट में आ गए सर, ये है ये रहा ईमेल वाला, ये वाला सर, ये अगर आप ईमेल रिमूव भी कर देना फिर ये फोन नंबर में यही एरर देगा। फोन नंबर समझ गया। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर तुम जो नाम जो इस्तेमाल कर रहे हो ना वो डिफरेंट है ईमेल में। अब दोबारा उसमें जाओ मॉडल में। ईमेल है और नेम, ठीक है
मैसेज है और डेट है और फोन नंबर है। अच्छा अब दोबारा उसमें आओ, व्यूज में आओ, व्यूज में जाओ, नीचे व्यूज में जाओ, और देखो यहाँ पर तुम जब गेट की लिए उठा के लेकर आ रहे हो ना, तो यहाँ पर तुमने नाम चेंज किया है, यहाँ नाम ये वही होने चाहिए जो वहां पर तुमने टेम्पलेट में दिए। वहां पे दोबारा टेम्पलेट पे जाओ, टेम्पलेट पे जाओ, ये नाम कहां से, नेम से उठा के लेकर आ रहा है। अब इसके अंदर जो है ना तुम ये जो नेम है ना ये स्मॉल से कर दो, हाँ, और ईमेल भी, भी, भी हाँ, और फोन नंबर का है, मैसेज भी, ठीक है। अब इसको बंद करके दोबारा चलाओ, देखो होप कि सर्वर को सर क्लोज करके, हाँ यहीं से कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओ, कंट्रोल सी दबाओ बंद हो जाएगा, हाँ दोबारा चला दो। कॉन्टैक्ट डॉट नेम में नेम में आ गया ना, इसका मतलब है कि उसका जो नाम है उसमें हमें कैपिटल था तो उसमें नहीं आ रहा था ना नाम के अंदर, नाम के अंदर आईडी नेम है, यहां पर भी स्मॉल, हाँ यहां पर भी स्मॉल कर, ईमेल में फिर से आया। वापस व्यू में जाओ, चलिए ऊपर से देख लें, बेस्ट में अबाउट आ गया, सर्विस आ गया, इंडेक्स आ गया, पोस्ट सर ये काम करें अगर मैं थोड़ा एडिशन कर, तो ये जो रिक्वेस्ट और पोस्ट और गेट कर रहे हैं ना, ये गेट को रिमूव करके ये जो नेम है एक लिस्ट में पास करें जरा, मींस नेम रिक्वेस्ट और पोस्ट डॉट गेट parentheses के में आप नेम मेंशन कर रहे हो ना, तो ये गेट को रिमूव करके पोस्ट के साथ एक अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसमें नेम ये करके देखो। वैसे एक आइडिया इस पे, और इससे पहले कि आइडिया हो, यहाँ पर एक क्लिक दब करो नेम से लेफ्ट के ऊपर जहाँ पे 36 लिखा हुआ है ना, 36 हाँ यहाँ पे देखो क्लिक हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ये डिबग हुआ हमारे पास, हाँ इसके बराबर में इसके लेफ्ट पे राइट पे, हाँ राइट पे या लेफ्ट पे क्लिक करो, लेफ्ट पे 36 के लेफ्ट पे जाओ, हाँ जहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है ना डॉट पे आके क्लिक कर दो, हाँ करो ठीक है। अब दोबारा उसको चलाओ, इसको बंद कर दो पहले, इसको बंद करो,
अब वहां पे जाकर क्लिक करो 36 के लेफ्ट के ऊपर, बंद करो उसको, बंद करो जी। होप ये ब्रेक हो गया होगा। ब्रेक पॉइंट आ गया यहाँ पर, सही है। ठीक है, अब इसको चलाओ। कर दो, ये ऑब्जर्व जा नहीं था लेकिन ब्रेक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब तुम ऐसे ही सही कह रहे हो, तुम इसके ऊपर चेंज करके देख लो, स्क्वायर ब्रैकेट चला के देखो। सर यहाँ पे ये रिमूव कर दूं सारा? नहीं, रिमूव नहीं करो, जहां पर पैरेंथेसिस दिए हैं, गोल ब्रैकेट दिए हैं, वहां पर चौकोर ब्रैकेट लगा दो। अच्छा सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट तो ये नेम से शुरू हो रही है ना, देखें और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर गेट की जगह डायरेक्ट पोस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। गेट की जगह पोस्ट में गेट रिमूव करना पड़ेगा फिर? हाँ गेट हटा दो। डॉट मिस कर दिया ऊपर, डॉट रिमूव नहीं किया यार। ये ऐसे करो ना, ये मैं सेंड कर रहा हूँ चैट में, या पैरेंथेसिस रिमूव करो उसमें से। पैरेंथेसिस भी रिमूव करो, नेम के पास जब तुमने पैरेंथेसिस लगाया है ना, वो भी रिमूव कर दो, गोल वाले ब्रैकेट रिमूव कर दो, चौकोर वाले लगा दो। जी सर, अब रन करूं? की वैल्यू दिख नहीं आ रहा यार। ये तुम मुझे कोड जो है वो उसका लिंक शेयर कर देना, वो या व्हाट्सएप पर मुझे इसकी जिप शेयर कर देना, तो मैं इसको देखूंगा कि इसमें गलती क्या और क्यों आ रही है। काफी अरसे से टेबल टेम्पलेट यूज नहीं किया हुआ, तो ठीक है सर, मैं आपको जिप कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी लोग जो है वो काम शुरू कर दें और फिर मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। सही है, तो आज तो आप लोगों की क्लास है, अगर बीच में होगा तो हम इसी दिन जो है वो सहरी के मैं फजर की नमाज के बाद एक आधा घंटे का एक सेशन रख लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है सर। ठीक है, ओके।